नमस्कार दोस्तों, ततारा वामिरो कथा। कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं में ये ततारा वामिरो कथा एक महत्वपूर्ण पाठ है कोर्स बी के लिए, जिनका हिंदी में दो कोर्स होते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो कोर्स बी के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी पाठ है ततारा वामिरो कथा। लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। इस पीपीटी के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले हम लीलाधर मंडलोई जी के का जीवन परिचय जानते हैं। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बटे हुए नहीं थे, बंटवारा उनका बाद में हुआ। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये मूलतः कवि हैं, मंडलोई जी मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्ति करता है। ये सब विधाएँ हैं अलग अलग, लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना। इन पे हम बात करेंगे कभी फिर कि ये क्या है अलग अलग वीडियोज़ में। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियाँ हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। ओके, फिर थोड़ा सा पाठ का परिचय देखते हैं। ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी जोड़े के प्यार बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब लेखक अंडमान निकोबार के बारे में पहले जानकारी दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाठ बताया जाएगा और पाठ के साथ जो कुछ कठिन शब्द हैं उनका भी विश्लेषण यहाँ पे होगा, आप ध्यान से देखते रहिए। अंडमान निकोबार का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे देशवासियों की, द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं। आदिम अर्थात प्राचीन, विभक्त यानी अलग अलग, सदियों पूर्व बहुत समय पहले, सदैव हमेशा, तत्पर तैयार समूचे सारे, स्मरण मीन्स याद रखना। ओके, लेखक ने कहानी की शुरुआत ततारा के व्यवहार का वर्णन करने से की है कि ततारा कैसे था। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा जा पहुंचता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण
लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारे आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सनह सनह क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर पढ़ने को विवश हो था, जिधर से अब भी मधुर गायन की ध्वनि आ रही थी। तो यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द हैं, अगर आपको आवश्यकता है देखने की तब आप देख सकते हैं। फिर वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गान अधूरा क्यों छोड़ दिया, ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवकों के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अब अगली पंक्तियों में आप देखिए कि जो भी शब्दार्थ हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ओके, अगली पंक्तियों में लेखक यह वर्णन कर रहा है कि ततारा किस तरह अपने होश हवास खोए हुए था। तो ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। ये लपाती गांव ततारा का ही गांव था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से ना पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगातार विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की भी हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलापे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर माने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो, ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहां, ततारा याचना भरे स्वर में बोला, नहीं शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्क पूर्वता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो, मेरा नाम ततारा है,
कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जो हूंगा, जरूर आना वामीरो। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट ने उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वो एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय अवस्थित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वह अमीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वह अमीरों ना आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आश की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और साफ हुई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब पाशा गांव में पशु पर्व होता है, उस आयोजन का वर्णन यहां पे लेखक ने किया। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेश यानी बिना पल के झपकाए हुए एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वह अमीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों के गांव ऊपर मैंने गलती से लपाती गांव ततारा का बता दिया है, बट वह अमीरो लपाती का गांव है और पासा ततारा का गांव है। दोनों का संबंध संभव ना था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वह अमीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते। अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पाशा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी।
उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बगुला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की माँ क्रोध में उफन पड़ी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खींच उठा। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। दोनों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा 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 ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। वामीरो को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसलता रहा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर रही थी, वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो इस कहानी में ततारा वामीरो की कथा पे समाप्त करेंगे। प्रश्न उत्तर के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जगत।